तो बहुत प्यारा पेयर है, फुल फ्रेंडली पेयर है ये। इसमें ये सर मेल फीमेल की बात करें तो इनकी पहचान कैसे होती है, देखें बार बार लोग बोलते हैं कि हमें डीएनए चाहिए। ये है दूसरे नंबर पेयर पे, तो दूसरे नंबर पेयर पे येलो रिंग नेक की उम्र है तकरीबन 3 साल। ब्रीडर पेयर है, 3 से 4 बच्चे निकालता हुआ है। पिछले सीजन इसमें एक कलर अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह से आज अपने पास शॉर्ट्स का स्टॉक आया हुआ है, जैसा कि येलो रिंगनेक में 2 पेयर अपने पास मौजूद है, अलेक्टस का पेयर मौजूद है, उसके अलावा रेयर ब्रीड में अपने पास काइक का पेयर मौजूद है विद डीएनए हैंड टेन। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो जो मेरे चैनल पर सबसे पहले न्यू है उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। चलें तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलें सबसे पहले येलो रिंग नेक से स्टार्ट करते हैं। अपने पास ये 2 पेयर मौजूद है। जैसा कि सबसे पहले इस पेयर की अगर बात की जाए तो इसकी मैं डिटेल आपको देता हूँ। इसमें ये बॉन्डेड पेयर है, ठीक है, न्यू पेयरिंग की गई है। इसमें मेल के नाखून पर दुम हर चीज में पूरा है। इसमें जो मादी है, मादी के 2 नाखून नहीं है, वो भी छोटी उंगली के, ठीक है। इसमें मादी के छोटी उंगली के एक एक नाखून नहीं है, मतलब 2 नाखून नहीं है। ये 85,000 रुपये इसकी डिमांड है, ठीक है। अब आ जाए दूसरे नंबर पेयर पे, तो दूसरे नंबर पेयर पे येलो रिंग नेक की इसकी उम्र है तकरीबन 3 साल, 2.5 से 3 साल इसकी उम्र है। इसने इस टाइम फर्स्ट ब्रीड की थी सीजन में, पर अंडे अनफर्टाइल हुए हैं। वजह क्या थी, फर्स्ट ब्रीड का पेयर है तो बाद 80% चार्ज होते हैं अनफर्टाइल के ही। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट सीजन में उम्मीद पूरी है कि ये अंडे और बच्चे करेगा बिल्कुल। इसको विटामिन लगाई जाए भरपूर तो इससे आप ब्रीड ले सकते हैं। अब इसी के अलावा आ जाए फिर आप हमारे पास है कश्मीर रा का पेयर जम्बो साइज का। ये भी मोल्ड कर रहा है, ये आपको नजर आ रहा होगा थोड़ा सा इसका चेहरा अजीब सा बिखरा हुआ पिने निकलती हुई। तो ये मोल्ड का सीजन चल रहा है, ठीक है। तो ये मोल्ड अब क्लियर कर रहा है, जैसा कि फीमेल मोल्ड क्लियर कर चुकी है इसमें, ठीक है। अब बच्चा मेल, तो मेल मोल्ड मेल ने लेट किया तो अब ये क्लियर कर लेगा एक हफ्ते में। इसकी उम्र तकरीबन कोई 4 साल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो मेल है ना उसका एक नाखून नहीं है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। आधा नाखून इसका ये कोने पे टूटा हुआ है, ये केज में फंसने की वजह से टूट गया था। तो ये देखें ये ऊपर आगे बैठ गया। तो ये ब्रीडर पेयर है, 3 से 4 बच्चे निकालता हुआ है। पिछले सीजन इसमें एक क्लच में इतने 4 बच्चे दिए थे और दूसरे क्लच में 2 बच्चे दिए थे। अगर इसी को भरपूर विटामिन आप लगाते हैं कैल्शियम वगैरह तो ये हो सकता है 6 बच्चे भी निकालते हैं। और उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा कि सब परिंदों को सुबह के टाइम पे सो फूड डाल दिया आपने, फिर फल फ्रूट अलग डालने हैं, दाने का ख्याल रखना है, पानी का ख्याल रखना है, विटामिन देनी है पानी में मिला के, तो ब्रीड आप अच्छे से इनसे ले सकते हैं। तो ये 3 पेयर मैंने आपको दिखा दिए। अब मेरे पास है अलेक्टस का पेयर, वो दिखाते हैं। तो चलें जी आ जाएं फिर अलेक्टस पे। अलेक्टस में ही अपने पास पेयर मौजूद है, उसमें रेड कलर की फीमेल होती है और ग्रीन कलर का इसमें मेल होता है, ठीक है। कैप्टिव ब्रीड है ये, घर के पले हुए हैं दोनों। कुछ टाइम पहले ये हैंड टैम थे, अब हैंड टैम नहीं रहे क्योंकि इनको काफ़ी टाइम से केज से नहीं निकाला गया, केज में ये वाइल्ड हो चुके हैं। तकरीबन इस पेयर की उम्र जो है तकरीबन कोई 5 से 6 साल इस पेयर की उम्र है, ठीक है, 5 से 6 साल इस पेयर की उम्र है। बाकी अगर मेल फीमेल की बात करें तो इनकी पहचान कैसे होती है, देखें बार बार लोग बोलते हैं कि हमें डीएनए चाहिए। तो इसमें मेल फीमेल की पहचान बहुत आसान है, रेड कलर में इसमें फीमेल होती है, ग्रीन कलर का इसमें मेल होता है, तो उसमें डीएनए की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी रेडी टू फर्स्ट ब्रीड का पेयर है ये। इस सीजन में आप हो सकता है इससे अगर इसको अच्छे माहौल मिल जाए तो इसको आप इससे ब्रीड ले सकते हैं। इससे इसकी डिमांड जो रखी है हम लोगों ने 3,20,000 रुपये इसकी डिमांड रखी है। इसी में अपने पास ये रेयर ब्रीड है वाइट ब्रेस्ट क्वाइट, ठीक है, वाइट ब्रेस्ट काइक है ये, बहुत अच्छे साइज के और हैंड टैम है ये, ठीक है। आ जाओ शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये इसमें आ गया, आ जाओ आप भी आ जाओ शाबाश, ये पूरा पेयर आ गया, ठीक है। अब मैं बाहर निकाल के आपको दिखाता, पर वजह ये इसके पर पूरे हैं और मैं अकेला हूँ अभी, वरना इसको मैं बाहर निकाल के आपको सुकून से वीडियो में दिखाता इनको। तो बहुत प्यारा पेयर है, फुल फ्रेंडली पेयर है ये। इसमें ये फीमेल है मैंने जो उठाई हुई है, इसकी आंख पे आपको निशान ब्लैक कलर का नजर आ रहा होगा, ये केज का कलर है, ये पिंजरे का कलर लगा हुआ है ये ब्लैक ब्लैक ना।
ये फीमेल आ गई, तो ये वाला मेल आ गया, ये डीएनए के साथ मौजूद है। अगर इनकी उम्र की बात करें तो इनकी उम्र तकरीबन कोई 5 से 6 साल या 6 साल इनकी उम्र होगी। इनको अभी तक बॉक्स वगैरह नहीं दिया गया, अगर इस सीजन में आप इनको बॉक्स दे रहे हो इनसे आप ब्रीड ले सकते हैं। इनकी डिमांड जो रखी है 4,50,000 रुपये की डिमांड रखी है। नेल टेल फ्लाई एवरीथिंग ऑल ओके है, ये रेयर ब्रीड है ये, ठीक है। इसी के अलावा फिर अपने पास 2 पीस सेल्फिट के मौजूद हैं ग्रे पैरेट के, तो इनकी अगर उम्र बता रहा चलूँ तो इनकी उम्र तकरीबन कोई 4 महीने से 4.25 महीने इनकी उम्र है। इनकी डिमांड जो रखी है 80,000 रुपये की डिमांड रखी है। तो चलें वीडियो का एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट करना है और दोस्तों का शेयर करना है। तो जैसा कि आपको पता है मेरी वीडियो अभी यूट्यूब चैनल जो है मेरा अनफ्रीज हुआ पड़ा है, तो कुछ टाइम के लिए इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि अनफ्रीज नहीं होगा, ग्रोथ में वापस आ जाएगा। तो आपने करना क्या है, जो जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो जो मेरी वीडियो देखते हैं, तो उन सब से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो आप देखने के बाद व्हाट्सअप पे शेयर कर दें या किसी दोस्त को शेयर कर दें। उससे क्या होगा, 100 शेयर 50 शेयर हो जाएंगे, तो बहुत जल्द ऐसा होगा कि मेरा चैनल ग्रोथ में आ जाएगा। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह फिर गिव अवे का सीन भी ऑन करेंगे सीजन में, उसमें आपको भरपूर बच्चे भी मिलेंगे, उसके अलावा कुछ गिव अवे में फ्री भी दिया जाएगा, कुछ और भी मजीद हमने अच्छा सोचा हुआ है। तो 3 महीने तकरीबन अभी रहते हैं सीजन में, फिर 3 महीने के बाद देखेंगे इंशाल्लाह क्या से क्या कर सकते हैं हम लोग। बाकी अपना सारा बहुत ख्याल रखें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।